फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस टैली प्राइम की वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्रा स्टेट मतलब कि लोकल परचेज ऑफ गुड्स विथ वैट, साथ में इंट्रा स्टेट लोकल सेल्स ऑफ गुड्स विथ वैट। मतलब कि किसी लोकल डीलर से जो आपके ही राज्य का हो, जिस राज्य में आपकी कंपनी हो, आपका बिजनेस हो, उसी राज्य के किसी डीलर से वैट लगाते हुए सामान को परचेज करना और फिर वैट लगाते हुए सामान को बेचना। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं टैली प्राइम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टैली ओपन कर रखा है। सबसे पहले क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ ताकि कंपनी मैं बना सकूँ। अब यहाँ पे मैंने कंपनी के नेम में डाला साइबोटेक एडू सर्व प्राइवेट लिमिटेड। आप जिस भी नाम से कंपनी बनाना चाहते हो, यहाँ पे आप उसका उस कंपनी का नाम और जो भी एड्रेस है, जैसे मेरे एग्जांपल में ये गोला रोड नियर इमामबाड़ा नवादा है, तो मैंने एड्रेस में यहाँ पे डाल दिया नियर इमामबाड़ा नवादा। अभी ध्यान से देखिएगा, चूंकि मैं स्टेट बिहार में हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टेट में बिहार चुना। आप जिस भी स्टेट में होंगे वो आप चुन लोगे और बाकी डिटेल्स जैसे पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है उसको आप फीड कर लेना और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर लेना ताकि ये कंपनी जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, मतलब कि सेव हो जाए। जैसी देखो कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हुई तो आपके सामने यहाँ मैसेज आ गया यहाँ पे कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और फीचर्स का डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। यहाँ पे बाकी ऑप्शन से फिलहाल तो कोई मतलब नहीं, आप जिसको चाहो यस नो कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे वैट को यस करना, यहाँ देखो एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको यस करना है। इसके अलावा आप जीएसटी को यस रखो या ना रखो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप वैट को यस करोगे, देखो यहाँ पे अगेन आपसे वैट डिटेल्स में स्टेट पूछेगा, टीआईएन पूछेगा, इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नंबर पूछेगा और इस ढंग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डाल देना और फाइनली कंट्रोल ए प्रेस करना है और एक बार और कंट्रोल ए प्रेस करना है। अभी मैं वैट के साथ कुछ आइटम्स खरीदूंगा और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ना कि एक ही परचेज में मैं डिफरेंट वैट रेट्स लागू करूँ। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ से वाउचर से सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया और उसके बाद कीबोर्ड से मैंने F9 प्रेस किया। देखो यहाँ परचेज वाउचर चला आया। अभी सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी है मैंने फेड किया और जिस डेट में मैंने परचेज किया है मैंने वो डेट डाला। अभी पार्टी अकाउंट नेम आपसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने तो कोई लेजर बनाया नहीं है, ना मैंने लेजर बनाया है, ना मैंने यूनिट बनाया है, ना मैंने आइटम बनाया है। तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके मैं इंटर प्रेस करता हूँ ताकि लेजर क्रिएशन का विंडो, लेजर क्रिएशन का स्क्रीन खुल जाए। यहाँ पे सपोज कि कोई ABC इंटरप्राइजेज है जिससे मैं सामान ले रहा हूँ, तो ये मेरा सप्लायर हो गया, इसको मुझे डालना होगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सप्लायर का एड्रेस वगैरह फीड कर दो। सपोज ये जो है गोला रोड पटना में ये सप्लायर है और यहाँ चूंकि आपको इंट्रा स्टेट परचेज करना है तो आपको यहाँ पे वही स्टेट रखना है जिस स्टेट में आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है। तो मैं चूंकि मेरा बिजनेस बिहार में है तो मैंने बिहार ही सेलेक्ट किया और बाकी अदर डिटेल्स को फीड करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। अगेन कंट्रोल ए, ये यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप एक बार रीचेक कर लो, कंट्रोल ए। अभी देखो परचेज लेजर यहाँ पे मांग रहा है, मैंने नहीं बनाया, क्रिएट मैंने सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किया और अब मैं यहाँ लिखता हूँ परचेज अकाउंट, जो चला जाएगा अंडर परचेज अकाउंट्स। यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीएसटी लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो। तो अब सपोज कि ये नॉट अप्लीकेबल है तो चलो यहाँ पे मैंने नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है कि इज वैट ऑब्लिक सीएसटी अप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको अप्लीकेबल ही सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको वैट लगाना है। और यहाँ देखो अगर सेट ऑब्लिक अल्टर वैट डिटेल्स में आप आओगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और वैट रेट वगैरह पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअली इसको नो ही रखना है। मैंने जीएसटी वाले वीडियो में भी यही चीज बताया था, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ए आपको कर लेना है। अब यहाँ आपको आइटम बनाना होगा, चूंकि आपने आइटम नहीं बनाया तो अगेन आप यहाँ से क्रिएट सेलेक्ट करते हो, इंटर प्रेस करते हो, कोई आइटम आइटम वन है, मैं आइटम का नाम नहीं लिख रहा हूँ आपको, मैं आइटम वन लिख रहा हूँ, वो आप लोगों का काम है, वहां पे आप आइटम का नाम लिख लेना अपने हिसाब से। ये चला गया अंडर प्राइमरी। अभी यूनिट भी मैंने नहीं बनाया है तो यहाँ पे मैं अगेन क्रिएट सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं लीटर में कोई सामान आइटम वन खरीद रहा हूँ, मैंने फॉर्मल नेम में लीटर लिखा और सिंबल में LTR लिखा है। अभी लीटर के लिए आपके पास यहाँ पे यूनिक
जो भी कोड है वो आप यहाँ चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, या चाहो तो यहाँ से न्यू यू क्यू सी से आप नया यूनिट भी बना सकते हो। चलो यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल रख दिया और यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस किया, ठीक है। यहाँ से अगेन अब जीएसटी एप्लीकेबल में, तो चूंकि इस आइटम पे जीएसटी नहीं लग रहा है तो यहाँ से मैं नॉट एप्लीकेबल करता हूँ। वैट एप्लीकेबल है, यहाँ से मैं एप्लीकेबल सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे चूंकि आइटम वन जो आपने बनाया है या जो भी आइटम है इसका, यहाँ पे आपको सेट ऑब्लिक अल्टर वैट डिटेल्स को यस करना है ताकि आप रेट डाल सको। अब सपोज कि यहाँ पे जो वैट का रेट है ना वो 12.5% लग रहा है, तो आपने यहाँ देखो यस किया और यहाँ पे 12.50 आपने फीड किया कंट्रोल ए। अब आपने 10,000 लीटर आइटम वन खरीदा जहां 1 लीटर की कीमत मान लो 87 रुपए है, तो ये आपका 8,70,000 रुपए का आइटम आ गया। सिमिलरली अभी आपको एक सेकेंड आइटम बनाना है, चूंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही परचेज इनवाइस में आपको मल्टीपल रेट सेट करके दिखा दूं। क्रिएट करो अगेन, कोई आइटम आइटम टू है इसको सेलेक्ट करो, अंडर प्राइमरी चला गया, और मान लो कि ये पीस में बिकने वाली आइटम है पीसीएस, और यहां पे आपने पीस लिखा नॉट एप्लीकेबल कंट्रोल ए। यहां पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल करना है, चूंकि आप जीएसटी नहीं लगा रहे हो वैट लगा रहे हो, वैट में आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, सेट ऑब्लिक अल्टर वैट डिटेल्स में यस सेट करना है, और यहां पे वैट रेट डालना है। मान लो ये 9% वैट है, इस पे एक में 12.5 है, आइटम वन में, आइटम टू में 9% है, कंट्रोल ए। अब ये आप सपोज कि 5,000 पीस आप खरीदते हो, एक पीस की कीमत जो है वो 34 रुपए है, ओके। अब यहां पे आपको आइटम तो बनाना नहीं है, दो ही आइटम मैं लेता हूं, एंड ऑफ लिस्ट करो। लेकिन अब यहां से वैट के लिए आप क्रिएट करो वैट, आप चाहो तो यहां पे इनपुट वैट भी क्रिएट कर सकते हो, और सेल्स के लिए आपको आउटपुट वैट क्रिएट करना होगा। दो अलग अलग लेजर बना के भी आप काम कर सकते हो, मैं एक ही लेजर बना के काम कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने वैट बना दिया, अंडर चला गया ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां पे मुझे सेलेक्ट करना होगा वैट। एक देखो सीएसटी भी है, मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा सीएसटी का यूज, फिलहाल चूंकि ये इंट्रा स्टेट है, परचेज है, लोकल परचेज है, तो यहां पे वैट एप्लीकेबल है, वैट आप सेलेक्ट करो। यहां पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं डालना है, चूंकि आइटम में मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग मेथड में सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए। अब देखो ये ऑटोमेटिक यहां पे वैट कैलकुलेट हो गया। कैसे कैसे हुआ है, तो अगर आप चाहो तो रिलेटेड रिपोर्ट्स में आप आके टैक्स एनालिसिस को सेलेक्ट कर सकते हो, वैट टैक्स एनालिसिस को, तो आप पाओगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करोगे तो देखो आप परचेज टैक्सेबल आइटम वन है 8,70,000 रुपए का, 12.5% के हिसाब से 1,08,750 रुपए इसका वैट हो गया। और आइटम टू भी परचेज टैक्सेबल है, 1,70,000 रुपए का आपने आइटम लिया है आइटम टू, तो टैक्स 9% इस पर लग रहा है, तो 15,300 इसका टैक्स हो गया, मतलब ओवरऑल टैक्स आपको 1,24,050 रुपए पे करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। आप चाहो तो यहां से प्रिंट बटन है यहाँ पे, आप क्लिक करो और यहाँ से करंट पे को सेलेक्ट कर लो, शॉर्टकट आप कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हो, आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो। ये आपका परचेज इनवॉइस आ गया, ये परचेज इनवॉइस है, आप यहाँ से देखो ये आपका वैट के साथ परचेज इनवॉइस है। चलो इससे मैं बाहर आता हूँ एस्केप की दबाते हुए, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर दिया है ना, कंट्रोल ए प्रेस किया ताकि मैं इसे सेव कर सकूं। अब मैं चाहूं अगर तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आके, स्टैच्यू रिपोर्ट्स में आके, यहाँ से वैट रिपोर्ट्स के अंदर जाके मैं यहाँ से फॉर्म RT1 अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो आपके सामने ये लोकल परचेज टैक्सेबल दिख रहा है, लोकल परचेज हो गया। और ये जो आपने अभी 1,24,050 रुपये पे किया है वो तो इन एडवांस आपने पे कर लिया है, तो वैट रिफंडेबल में ये दिख रहा है। अगर आप अभी सामान लौटा दोगे तो ये जो वैट है ना ये आपका रिफंड हो जाएगा, और अगर आप सेल्स करते हो तो ये जो वैट अमाउंट आपने जो पे ऑलरेडी कर रखा है ये एडजस्ट होगा किसी सेल्स में। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कैसे वैट के ऊपर हम लोग सेल्स करते हैं। तो देखो वैट के ऊपर सेल्स करने के लिए आपको अगेन आना है वाउचर्स में, वाउचर्स में आने के बाद आपको कीबोर्ड से F8 दबाना है या आप माउस से F8 बटन पर क्लिक करो। यहाँ पे भी आपको एक लोकल डीलर बनाना होगा, लोकल कंज्यूमर एक्चुअली बनाना होगा, जिसको जिसको आप सेल करोगे। तो यहाँ से क्रिएट सेलेक्ट करते हैं और एक कोई लोकल कंज्यूमर है ना, सपोज कि नाम मोहन है, तो मैंने मोहन अकाउंट बना लिया, ये मेरा कंज्यूमर है, इसको मैंने अंडर सन्ड्री डेटर्स डाल दिया। यहाँ पे भी बहुत ध्यान देना है कि जो भी एड्रेस वगैरह आप डालो लेकिन स्टेट वही रखो जो जिस स्टेट में आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, तभी तो वो लोकल होगा। बाकी डिटेल्स आपको डाल के यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करना है। अब यहाँ पे ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि चलो इसको जो है ना मैंने
अब देखो यहाँ सेल्स लेजर्ड के लिए मैं अगेन क्रिएट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट बनाता हूँ। ये चला जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी में नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, लेकिन वैट में अप्लीकेबल ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसका कोई डिटेल्स आपको नहीं फीड करना है, नो ही रखना है, कंट्रोल ए। अभी यहाँ पे आप आइटम वन इसको बेच रहे हो, मान लो ना कि पूरा आइटम हमने बेच दिया, 10,000 लीटर मेरे पास है और ये मैंने 120 रुपये पर लीटर बेचा, और इसी ढंग से आइटम टू जो 5,000 पीस है ये आप पूरा का पूरा बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आपने बेच दिया 45 रुपये। अभी यहाँ पे वैट आपको लगाना है, जैसे आप वैट सेलेक्ट करोगे देखो ये कैलकुलेट होके चला आया 1,70,250 रुपये। अगर आप चाहो तो रिलेटेड रिपोर्ट्स पे क्लिक करो, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ए है, और वैट माइनस टैक्स एनालिसिस है, इस पे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। ये देखो आपका सेल्स टैक्सेबल दो अलग अलग आइटम का अलग अलग परसेंटेज से जो भी है ये यहाँ पे दिख गया। सिमिलरली आप अगर चाहो यहाँ पे तो कंट्रोल पी अगर आप प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे आपके सामने सेल्स इनवाइस आ गया, ये बिल आपको प्रिंट करके देना है, ये आपका बिल है, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग बाहर चले आते हैं एस्केप बटन से, कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो ये जो आपने एंट्री की है, देखो इसका डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आओ, यहाँ से आप स्टैच्यू रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करो, यहाँ से आप जीएसटी रिपोर्ट्स नहीं वैट रिपोर्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्म RT1। तो देखोगे यहाँ पे कि परचेज टैक्सेबल आपका तो पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है कि 1,24,050 रुपये आपने दिया था एडवांस में, और आपने कंज्यूमर से कितना लिया है 1,70,250 रुपये। तो 1,70,250 माइनस जो आपने पे किया 1,24,050 वो करोगे तो 46,200, ये आपका वैट पेएबल हो गया। अगर आप देखो ये वैट आपको पे करना होगा, अगर आप बैलेंस शीट में आके देखोगे अल्ट F1 प्रेस करते हो, देखो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 46,200 रुपया जो है वो अंडर वैट पेबल आ चुका है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से टैली प्राइम के अंदर वैट के साथ लोकल परचेस और लोकल सेल्स की एंट्री कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अब आप लोग भी टैली प्राइम के अंदर या टैली ERP 9 के अंदर भी ये दोनों एंट्री कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।